मनुष्य प्रजाति कैसे और कहां विकसित हुई? बिग बैंग 13.7 अरब साल पहले हुआ। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और पृथ्वी पर जीवन 3.8 अरब साल पहले उत्पन्न हुआ। शुरुआती जीव सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे। मल्टीसेलुलर जीवन उसके 1 अरब साल बाद शुरू हुआ और सिर्फ 57 करोड़ साल पहले ही ऐसे जीव विकसित हुए जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं। इवोल्यूशन के विषय में हमारी जानकारी फॉसिल से आती है। 53 करोड़ साल पहले सबसे पहले आए एंथ्रोपॉड्स और उसके बाद आई मछलियां। इसके बाद 475 मिलियन साल पहले पौधे आए। जंगल 385 मिलियन साल पहले बने। डायनासोर्स 230 से 65 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। मैमल्स यानी स्तनधारी 22 करोड़ साल पहले आए और सिर्फ 2 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस विकसित हुए। लगभग 65 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस काल में एक मास एक्सटिंक्शन हुआ जिसमें 3/4 प्लांट और एनिमल लाइफ नष्ट हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। इस काल में मैमल्स तो मौजूद थे लेकिन वे ज्यादातर छोटे छोटे रोडेंट्स जैसे जानवर थे। अब जो जानवर बच गए उनमें अडैप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई स्पीसीज ओरिजिनेट हुई। इस काल में मैमल्स का इवोल्यूशन भी बहुत तेजी से हुआ। पहले प्राइमेट्स जिन्हें प्रोटो प्राइमेट्स कहते थे अपीयर हुए। इन फर्स्ट प्राइमेट्स को देखिए, ये गिलहरियों की तरह लगते हैं। माना जाता है कि ये अधिकतर पेड़ों पर रहते थे। फॉसिल से पता चलता है कि प्रोटो प्राइमेट्स के हाथ और पैर चीजों को पकड़ने में सक्षम थे, लेकिन इनकी आंखें सिर के साइड पर थीं, यानी विजन स्टीरियोस्कोपिक नहीं थी। इओसीन इपॉक में 55 से 34 मिलियन साल पहले बंदर जैसे प्राइमेट्स अपीयर हुए। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशनरी बदलाव हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, उस स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अर्ली प्राइमेट्स अब सीधे खड़े होकर चलने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। हायर प्राइमेट्स ओलिगोसीन इपॉक में 34 से 23 मिलियन साल पहले अपीयर हुए। इस काल में ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। ऐसे जानवर इवॉल्व होने लगे जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। परिणाम स्वरूप बहुत सारे दूसरे जानवरों को खाने वाली स्पीसीज अपीयर हुई। मनुष्य वंश एप से 7 मिलियन साल पहले अलग हुआ, परंतु एक अनुमान के अनुसार ऐसा 13 मिलियन साल पहले हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हड्डियों के फॉसिल्स मौजूद हैं। सबसे फेमस है लूसी, जिससे हमारा 40% फीमेल स्कैलोपाइन मिलता है। वो 32 लाख साल पुरानी है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से इवॉल्व हुए होमोजेनस ह्यूमंस और होमोसेपियंस का संबंध होमोजेनस से ही है। होमोजेनस का सबसे पुराना फॉसिल 28 लाख साल पुराना है। शुरुआती होमो स्पीसीज जैसे कि होमो हैबिलियस और होमो इरेक्टस दो पैरों पर चलते थे, जैसे कि लूसी। जेनस होमोसेपियन सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुआ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये पहले पूर्वी अफ्रीका में अपीयर हुए या दक्षिणी अफ्रीका में। 33 लाख साल पहले हम पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहे थे। 18 से 8 लाख साल पहले हमने आग का प्रयोग शुरू किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सटीक डेट्स का पता लगाना एक मुश्किल काम है। सही डेट्स हमेशा से वाद विवाद का विषय रही हैं। होमो एर्गेस्टर्स अफ्रीका को छोड़कर छोटी आबादियों में एशिया में आ बसे। ये तुर्की से लेकर चाइना तक फैले। यहाँ नए वातावरण में होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए। होमो इरेक्टस होमो सेपियन से ज्यादा बड़े और बलिश थे, लेकिन 30,000 साल पहले वे लुप्त हो गए, जबकि होमो सेपियंस बच गए। हालांकि होमो की अन्य स्पीसीज काफी पहले ही अफ्रीका छोड़ चुकी थीं, लेकिन 60,000 साल पहले ही मॉडर्न होमो सेपियन ने अफ्रीका छोड़ा और विश्व के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। हमारे पास इस बात के जेनेटिक और फॉसिल सबूत मौजूद हैं।
हमारे पूर्वज नियंडरथॉल और होमोजेनस की दूसरी स्पीशीज के साथ प्रजनन करते रहे। वैज्ञानिक ह्यूमंस की 15 से 20 स्पीशीज होने का दावा करते हैं, पर इस तथ्य पर सब सहमत नहीं हैं। नियंडरथॉल 30,000 साल पहले आइस एज में भोजन की कमी के कारण लुप्त हो गए। होमो फ्लोरियंसिस 12,000 साल पहले लुप्त हुए। इन्हें हॉबिट्स भी कहा जाता है। पिछले 1,00,000 साल में जटिल भाषा, संस्कृति और कृषि विकसित हुई। इन जटिल घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप ही होमो सेपियंस बचे रहे और दूसरी होमो स्पीसीज लुप्त हो गईं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो लुप्त हो गए वो औजारों का प्रयोग नहीं करते थे या उनके पास कम्युनिकेशन के जरिए नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज अधिक विकसित थे, इसलिए वे वातावरण जनित बाधाओं से लड़ सके, जैसे कि आइस एज। इस वीडियो में हमने जाना कि 7 से 13 मिलियन साल पहले होमो की बहुत सारी स्पीशीज हमारे कॉमन पूर्वजों एप्स से विकसित हुई, और सिर्फ 12,000 साल पहले दूसरी होमो स्पीशीज पृथ्वी पर हमारे साथ रह रही थीं।